hi and welcome to Kapil Ka Kitchen. Today's recipe is Delhi style chhole. जी हाँ, आज बनने वाले हैं जो दिल्ली की स्टेपल डाइट है छोले भटूरे. हम वो छोले भटूरों के साथ जो छोले मिलते हैं हम आज वो बनाने वाले हैं. तो यहाँ मैंने हाफ के जी छोले लिए हैं, यानी कि हाफ के जी चिकपीस. इनको मैंने पूरी रात पानी में भिगो कर रखा है. सो आई हैव सोक चिकपीस फॉर होल नाइट. सो अभी हमें क्या करना है, अभी इनका पानी निकाल के आई हैव टू स्ट्रेन द वाटर एंड चिकपीस को, यानी कि छोलों को मुझे बॉयल करना है. वी हैव टू एड इनफ वाटर ताकि जो छोले हैं वो अच्छे से पानी के अंदर डूब जाएं. एज यू कैन सी, तो अंदाजे से आप ये पानी ज़्यादा या कम कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपको कितनी ग्रेवी चाहिए. तो यहाँ मैंने सूखे आमले लिए हैं, यानी कि ड्राई इंडियन गूसबेरीज. तो इनका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, ताकि वो जो छोले भटूरे वाले जो छोले होते हैं उनके अंदर जो वो डार्क कलर आता है ना, ब्राउन कलर, वो इसी की वजह से आता है. तो इस तरीके से मैंने ये एक मलमल का कपड़ा लिया है, मसलिन क्लॉथ. अब मैं इसके अंदर ये सूखे आमले, यानी कि इंडियन ड्राई गूसबेरीज, ये डालूँगा. और साथ में मैं ये चाय पत्ती, यानी कि टी लीव्स, ये डालूँगा. तो मैंने टी लीव्स जो लिए हैं वो अबाउट 1 teaspoon लिए हैं, और मैंने जो इंडियन गूसबेरीज ड्राइड लिए हैं, यानी कि जो सूखे आमले लिए हैं, वो मैंने नियर अबाउट 2 tablespoons लिए हैं. तो मैं इनको अब अच्छे से टाइटली बांध लूँगा. जस्ट मेक श्योर कि आप टाइटली इसको टाई करें. तो अब इस पोटली को मैं ये छोले के अंदर डाल दूंगा. सो आई विल पुट दिस पॉकेट इनसाइड दिस वाटर. और इसके साथ ही आई विल ऐड ये एक सिनेमन स्टिक, दालचीनी, बड़ी इलायची और बिग कार्डमम, और नमक और सॉल्ट एज पर टेस्ट. तो छोलों को हमें प्रेशर कुक करना है फॉर अबाउट 25 to 30 minutes. हमें रिजल्ट क्या चाहिए, छोले अच्छे से गल जाने चाहिए. एट द सेम टाइम छोले पूरे मशी ना हो, मतलब वो अपनी शेप ना छोड़ें, अपनी शेप भी रिटेन करें, एट द सेम टाइम वो अच्छे से वेल कुक भी हो. तो जब तक हमारे छोले प्रेशर कुक हो रहे हैं तब तक हम छोले के लिए टेम्परिंग, यानी कि तड़का बना लेते हैं. तो हम ये थोड़ा सा तकरीबन 3 tablespoons तेल डाल लेते हैं, 3 tablespoons ऑफ ऑयल, 1 bay leaf और तेज पत्ता, 1 teaspoon ऑफ क्यूमिन सीड्स, यानी कि जीरा, एंड इन गोज अ चॉप्ड अनियंस. मैंने एक मीडियम अनियन को स्लाइस कर लिया था, तो ये भी इसके अंदर. हमें अनियन को तब तक फ्राई करना है जब तक वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर के नहीं हो जाए. सो एट दिस पॉइंट हम इसके अंदर ऐड करेंगे अबाउट 1.5 teaspoons भर के जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट. एज यू कैन सी छोले भी अच्छे से बॉयल हो गए हैं. आई विल शो यू, थोड़े से गर्म है तो ध्यान से ये देखिए, दे आर नाइसली कुक्ड. एट सेम टाइम इनकी जो शेप्स है वो भी ये रिटेन कर रहे हैं, बिल्कुल ये मशी नहीं हुए हैं. बट हमें इनको इस स्टेज तक ही कुक करना है. और हम क्या करें, ये जो हमने ये पोटली बनाई थी इसको भी निकाल देते हैं, क्योंकि इसका काम अब ख़त्म हो चुका है. एज यू कैन सी जो छोलों के ऊपर जो कलर है वो अच्छा सा ब्राउन कलर आ गया है. तो मसाले में जिंजर गार्लिक पेस्ट भी अच्छे से भुन गया है. अब उसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट. ये आप याद रखें, जो सॉल्ट है वो छोले उबालते टाइम भी हमने ऐड किया था, तो आप ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा, बाद में अगर कम लगेगा तो हम ऐड कर देंगे. रेड चिली पाउडर आई एम पुटिंग 1.5 teaspoon. अगेन मिर्च आप कम खाते हैं तो कम डालें, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डालें. हल्दी, टर्मरिक पाउडर 1/2 teaspoon, कोरिएंडर, क्यूमिन सीड पाउडर, यानी कि जीरा, धनिया पाउडर, ये मैं 2 teaspoon भर के डाल रहा हूँ. और ये है मेरे पास सॉल्ट, यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर, ये जाएगा 1 teaspoon, थोड़ा सा और. अच्छे से मिक्स करें और मसाले नीचे से जले नहीं, तो उसके लिए हमें जो छोले का पानी था ये मैं उसके अंदर ऐड कर देता हूँ. और इसके अंदर जाएगा 1/2 teaspoon आमचूर, यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर, एंड 2 teaspoons ड्राई पोमेग्रेनेट पाउडर, यानी कि
ये है सूखे अनारदाने का पाउडर, मिक्स वेल। थोड़ा सा हम ये छोले का पानी डाल देते हैं ताकि मसाले अच्छे से इसमें कुक हो जाएं। ये देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है, मैंने इसको 2 मिनट के लिए भुना है। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, ये जो छोले हैं बॉइल्ड, मैं थोड़े से छोले इसके अंदर ट्रांसफ़र करूँगा, थोड़े से और मैं इनको अच्छे से क्रश कर लूँगा। स्पून भी ले सकते हैं आप, पोटैटो मैशर है आपके पास, आप वो भी ले सकते हैं। इनको अच्छे से मैश कर लें। तो अब क्या करेंगे, जो बाकी के सारे छोले हैं वो इसमें हम शिफ्ट कर देंगे। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगा अबाउट 3/4 teaspoon ऑफ गरम मसाला, और इसी के साथ मैं इसके अंदर ये मैंने कुछ काली मिर्च के दाने, ब्लैक पेपर कॉर्न्स मैंने क्रश किए हैं फॉर अबाउट 1/2 teaspoon, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। मिक्स वेल। तो सारे मसाले छोले में ऐड करने के बाद हम इनको इसी तरीके से सिम गैस पे कुक करेंगे फॉर अबाउट 15 मिनट्स, ताकि जो सारे मसालों का फ्लेवर है वो अच्छे से छोले के अंदर इन्फ्यूज़ हो जाए। तो छोले ऑलमोस्ट तैयार हैं, अबाउट 15 मिनट्स हो गए हैं छोलों को पकते हुए, और मेरे मुंह में ज़बरदस्त पानी आ रहा है क्योंकि छोले जो है वो मेरी फेवरेट डिश है। एज यू कैन सी, जो पानी था छोलों का वो भी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है, सो इट्स सेमी लिक्विड टाइप्स, तो ज़्यादा लिक्विड ही, ज़्यादा ग्रेवी नहीं है इसकी। और छोले जो होते हैं छोले भटूरे के, वो ऑलमोस्ट इसी कंसिस्टेंसी के होते हैं। तो आपको इस स्टेज तक इनको कुक करना है, और इसके अंदर मसाले भी अच्छे से रम चुके हैं, अच्छे से इन्फ्यूज़ हो चुके हैं, दैट्स इट। अब आपको क्या करना है, आप गैस बंद कर दीजिए। मेरे पास ये कुछ जिंजर जूलियंस हैं, मैं वो इसके ऊपर गार्निश कर देता हूँ, इट्स ऑप्शनल। एंड मेरे पास ये ग्रीन चिलीज़ हैं, मैं इससे भी गार्निश करता हूँ। और हमारे दिल्ली स्पेशल छोले, छोले भटूरे वाले जो होते हैं वो एब्सोल्युटली रेडी है। तो ये झटपट बनाने वाली रेसिपी है, इतना टाइम नहीं लगता है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो आप भी घर पे इजीली बना सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा टेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा इसलिए क्योंकि छोलों का जो सोलमेट है भाई वो तो भटूरे हैं, तो इसके बाद मुझे भटूरे बनाने ही पड़ेंगे क्योंकि वो मेरे अंदर क्रेविंग्स वो पैदा हो चुकी है छोले भटूरे खाने की। डोंट वरी, जो भटूरे की रेसिपी है वो इसके बाद मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा ज़रूर, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली मेम्बर्स। परफेक्ट, मुझे वही दिल्ली के छोले भटूरे याद आ गए, तो मैं जा रहा हूँ फटाफट से भटूरे बनाने। अगली रेसिपी भटूरे की आप देखना ना भूलें। नेक्स्ट टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय।